أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس الا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد لله. अल्हमदिल्लाकफ़ा वसलासलाम इबादीफ़ा अम्मा बबादु फौकजुबिल्ल समली शैतान वजीम वन कुन तुम फ़िर नबलना अब्दिन फ़ातु बसूरत मिसलही वद ओ शहदाकुम्दून कुन तुम स्वादिक़िन

वो दावत सी अल्लाह ताला दी बंदगी दी मक्की कुरान दे के बयान हुई सी उदा खुलासा आ गया हूँ अगलिया दो आयतां में ईमान बे रसालत का जोड़ा तकाजा है वह बयान किया जा रहा नबी अकम सल्हसम दी सदाकत दी रसालत दा सब तो वड्डा सबूत खुद कुरान मजीद है अल्लाह ताला ने जिन्हें भी पैगंबर कल ने असूल कल ने उस वेल्ले जी लोगों के अंदर राज, सब तो वीडी कोई उन्होंम होंगी सलम हूँ जे ओहज दे के अपने असूलों को भेजता से हतमूसा आलाम दे वेले जादू बहुत सी हतमूसा आलामन अल्लाह तला ने ਉਹ ਮੂਜਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਜਾਦੂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਝੂਠਾ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ঈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ঈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂਜਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਬੀ ਅਕਮ ਸੱਲੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿਸਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਹਿੱਸੀ ਮੂਜਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹਨ उन्हरी तो उन्हों की जबानदानी का दा बड़ा रवाज और वह बड़ा माण करते नबी अक़म सल वसलम अल्लाह ने वो मुआवजा दिता कि जोड़ा उन्होंने सामने पेश गया कि ताकि उन्होंने पता लग जाए कि ये जो कुछ भी दिता गया अल्लाह का कलाम है किसी इंसान का कलाम नहीं बारे कुराने मजीदे मुख्तलिफ मुकाम चैलेंज दिता गया कि अगर तुम नहीं मानते अल्लाह का कलाम है तो तुम भी योजा कलाम लियाओ या कुछ सूरत बना लिया आखिरी चैलेंज जड़ा है वह है जो इस मदनी कुरान दे फरमाया वहम कुम तुम फीरबि मिमा नजल ना अला अब देना अगर तुम शक में हो जड़ा अजल कर रहे हैं अपने बंदे सल्लाह वसलम त फातू बस सूरत मिमसलेही तो तुम भी योजी एक सूरत बना लियाओ वधू शोहदा कुमें और जिन्हों भी अपनी मदद तुसा बुलाना है उन्होंने भी बुला लो जो भी मिल के करना चाहते हो जिन्हों भी मदद लदना चाहते हो उन्होंने भी सद लो इनकुंतुम सादयकीन अगर तुसी अपने सदावे सच्चे हो कि अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि इन्हों कलाम है तो फिर सारे मिल के यहो जी एक सूरत बना लिया तो पता लग जाए कि वाकई ये इंसानी कलाम है यो चैलेंज है जोड़ा पुराने मजीद ने उस भी दिता और अज मौजूद है लेकिन कोई भी इंसान जसारत नहीं कर पाया कोई भी इंसान जोड़ा है उन्हें इस चीज़ न इस चैलेंज कबूल नहीं किया मतलब है यो सदाकत है वो मुइजा है जोड़ा नबी अकम सलम का जो क्यामत ही लोगों के वास्ते चैलेंज रहेगा यही बोजा है जरा सूरा यूनस में भी जिक्र आया सूरा हूद भी सूरा बनी इसराइल भी और सूरा धूर भी और आखिरी बार इत है इस चैलेंज के ना पेश पेशता गया फाइलम त फालू कि अगर तुसी इन्हू पूरा ना कर पाओ वलम त और तुसी हर किसनी कर पाओगे फट तक उन्ना रलती वकू दुहना सवल हजारा तो फिराओ बचन की कोशिश करो सग जिदा बालन हो इंसान भी तो पत्थर भी वो इद्दत लिल काफरीन अल्लाह ताला ने तैयार की काफर ना मनने वाले यह कुरान मजीद का चैलेंज जरा फरमाया तो हरगिज ऐसा नहीं कर सकते कोई आयत ऐसी नहीं कोई सूरत नहीं बना के लिया सकते और ना ही इस कुरान मजीद वर्गा कोई तीस कलाम पेश कर सकते हो तो फिर आओ मान लो कि अल्लाह का कलाम है ये किसी इंसान का कलाम नहीं है जरा अल्लाह ताल ने नाज़ल किया और यो वो चाय लंजे कहता तुम फाइलम त फा लू वल त फा तुम हरग नहीं कर पाओगे क्योंकि अल्लाह तला पता है कि किसी इंसान के वसच नहीं कि अल्लाह तला वर्गा कलाम जो कोई तसनीफ कर सके अल्लाह वर का वर्गा कलाम दे सके तो फरमाया फाओ बच कोशिश करो उस अग तो कि जेदा फिर बालन बन गए इंसान भी और वो पत्थर भी ऐसी अग होगी जी पत्थर बिगाड़ देगी ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਏ ਮਰਾਦ ਬੀਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਨਕੁਮ ਵਮਾ ਤਬਦੂਨਾ ਮਿੰਦੂਨ ਅਲ੍ਹਾ ਸਬ ਜਹੰਨਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਗਲ ਜਾਣ ਨਬੀ ਅਕਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਾ ਕੌਸਰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ तो हज़रत अली रजी अल्लाह तला ने इस सूरत लिख के तीन आयत खाना काबा दे टंग देती ताके पता लग जाए अगर कोई चाहता है कि नहीं मनता है कि अल्लाह का कलाम नहीं तो एक चौथी आयत ही लै आए इस लेकिन यह भी कोई कर नहीं पाया वह पुराने मजीद की शदाकत का सबूत जहरा कि मजीद ने लोगों के सामने रख्या है कि अल्लाह तला कलाम है इस करके इस चीज़ को तस्लीम कर लो फरमायाब शरिली नाम अनु वामिल उत्सुआ लिहात बशारत देव दे। खुशखबरी देना दे दे जेडे दे ईमान ला इस चीज़ नू मन लैन के वाकई अल्लाह दा कलाम है वामिल उसवा लिहात और फिर इस दे मुताबिक नेक नेकमल करन अन्न जन्नात जन्ना तंतजरी इंतह त अल्लाह नहार बेशक उन्होंने वास्ते बाग ने जिन्ह थल्यों नदियाँ बह रही हो उल्लामा लमा रोजेकू मिन हा मिन समर ते रिज अन जो रिज्क दिता जाएगा फलां का उस जन्नत कलू हाज अल्लाह जी रोजिक नामिन कबल तो कहे तो ऐसा ही रिज्क है जैसा सानू पहला मिलया बहुत बेहीमोत है और अल्लाह ताला इस दुनिया के फलांलदा मिलते उ फल देगा उ रिज्क देगा क्यों इंसान जान चीज़ों जानता है ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੈਸਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੈਸਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ और वो रिस्क ऐसा होएगा जोड़े खात्या हो ना ही कोई हाजत होएगी इंसान और ना ही बॉल आएगा ना ही उसके उत्ते कोई वो पेट में वो वजह तो कोई गड़बड़ होएगी वह तूबे ही मुतशाबे तो फरमाया इन्ह की शक्ल वाला ही रलता मिलता इन्हों भी रिस्क दिता जाएगा वो हम फी हाजवाज मुताहरा तुन और उतना वास्ते जोड़े भी हो गए बड़े पाक हो ਬਹੁਨ فیہا ਖਾਲਦੂਨ اور سب ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ عطا ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ और उन्ना वास्ते जोड़े भी होंगे गए बड़े पाकिजा और हमेशा हमेशा रहेंगे। इन अला हलाई हस्ता जी अजरे बामा सलम माँ बाऊ का तनफमा फोका अगे हम जिक्र किया जाता कि वो जो कोई बस नहीं चलता तो यज़ कर देते दे सड़क पुराने मजीद पर यह अल्लाह का कलाम है अल्हदी वर्दी हिस् हस्ती है लेकिन ये कि मच्छर की मिसाल दे दिखते मखी की मिसाल देंद य है तो फरमाया देखो ये सारिया मसाल तैन समझाने लिए दिखाई जा गल पले पै जाए इस करके इन्हों जिक्र अल्लाह ताल करता है जेल तैन वाह पैंती है और जिंदगी दे इस करके फरमाया इन अल्लाह अला यस्ताही जजरबम ए यजरे बमसर अल्लाह ताल बिल्कुल नहीं शर्मा इस मसाल बयान कर मा बउजतन मच्छर दी फमा फौकहाँ या उस तो भी किसी छोटी चीज़ दम अल्लाजीन आम अनुमोना नाह हकों में रबे तो जड़े मन वाले ने अल्लाह तला कलाम वो तो जानते हैं अच्छी तरह कि हक है जोड़ा उन्होंने रब की तरफों नाजल होया बह मल्ला जी ना कफरू और वो लोग के जेडे काफिर ने ना मनण वाले ने फ अकूलू ना माजाराद अल्लाह बेहाजा मसाला वो इतराज़ करते हैं कि अल्लाह ने चाहे है ये मसाला बयान करके युजिलो बही कसीरम व यहादी बही कसीरा वह गुमराह करता इन्होंने जरिए बहुतियां और बहुतियां हदायत देंदा यही है पुराने मजीद जड़ा बहुत सारे लोगों वास्ते हदायत का जरिया बन जाए लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे ने जो इस तो गुमराही लै लें उन्होंने बारे दस दिता कि गुमराही कि मिलती है बमा युजिल्लो बही इल अल फासिकीन वह गुमराही मिलती है उन्होंने जिड़े कि अल्लाह के नाफरमान फासिख ने यह फासिक कौन ने अलाजीन यनकजून अहद अलाने जेडे अल्लाह तला के अहद नोड़ वाले मिम्बा देस आके ही पुख्ता करन तो बाद वक्ताऊ न माँ अमर अल्लाह बेही और वो कता करन वाले उन चीज़ों जिन्ह का अल्लाह ने हुक्म दिता है जोड़न का असला के उन्होंने जोड़िया जाए व युस दू ना फिलदर्स और उन्होंने गुमराही मिलती है जेड़ा फसाद पैदा करना चाहते ने जमीन में उला का हुम खासून ये हैं जेड़े सब तो ज्यादा घाटे चह वाले ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿਫਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਇਹ ਉਹ ਅਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਐਦੇ ਹਲਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ گزارਣ ਦੇਂਦਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਗੁਮਰਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਫਰਮਾਇਆ मिम्बादे मीसा के ही पुख्ता करने तो बाद ये पुख्तगी उदों आँदी है जो इंसान इस दुनिया च के अल्लाह तालार कर लादी तोहीद का और रसूलों का तो गोया उसने अपने उस अहद को पक्का कर लिया यह जि जिक्र कुरान मजीद आते अल्ला तला फरमा वस गुरु नहमत अल्लाह है रै कुंभ है, है मुसलमानो अल्लाह ताली नहमत का जिक्र करो जी ते हुई है मीसा का उल्लाजी वासा का कुंभ ही और पुख्ता अहद जिसे अल्लाह ने त्यान बन लिया जदों तुसा इस चीज़ का इकरार कर लिया कि अशद अल्लाह अहल्लाह व अशद अल्लाह मुहमद और रसूल अल्लाह तो गोया तो उसद न पक्ा कर लिया अल्लाह तौ दे दिना इस कुल तुम समय ना वाता ना। जो तुसा अल्लाह ताले पैगाम सुनिया और उन्होंने मन लिया तो अतात कबूल कर ली तो गोया इंसान जो इतने आके अल्लाह तला वाहद नीयत आकरार कर लसूलों मनता तो गोया उस अहद नक् कर लो फरमाया फासिको ने ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ اقرار ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਗਮਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਯਕਤਉਨਾ ਮਾ ਅਮਰ ਅੱਲਾਹ ਬਈ ਯੂਸਲਾ ਦੂਸਰੀ ਸਿਫਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮ تعین ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮਨ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਲਦੈਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕਰਾਬਤਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਮਯੰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਫਾਸਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਤਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਾਦ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਆਇਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਤਾਰ ਰਹਿਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਹਕੂਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਕ ਹੈ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ जो बारे नबी अकम ने वजाहत फ़रमाई कि अल्लाह ताल की खुशलूदी भी वालदैन की रज़ा बच्चे है अल्लाह ताल गुस्सा वालदैन के गुस्से है अगर इंसान कोई उन्होंने हक नहीं अदा करता तो अल्लाह तो कभी राजी नहीं हूँ यही मामला जोड़ा वो बाकी रिश्तेदारों हकूक़ का है और कतार रहमी जड़ा भी करता अल्ला दे है अल्लाह ताली इस दुनिया भी उसन सज़ा दे दादा यदी जड़ी कि कतार रहमी जड़ी है वह इख्तियार कर और अल्लाह ताल ने सजा जी है वह आखिर की सजा तो अलावा रखी हुई है तो इतने भी वह जिक्र कर देता है कि अल्लाह तौला के हकूक के बाद सब तो व्डा हक वालेन और रिश्तेदार वह भी पास करना चाहिए है। तो फरमाया वयुफ से दू फिर लर्स और फिर ने वो फासिक और नाफरमान जेड़े जमीन पर फसाद करते हैं अल्लाह की हकमीयत नहीं मानते बल्कि इतने जुलम तो रह के जिंदगी गुजार देने और जुलूम जमीन के उत्ते फसाद यही है कि अला हक मनिया जाए बल्कि अकमी हाकमीयत करने की कोशिश की जाए तो यह निशानियाँ जसिया ने उन्हास्कियाँ जिन्हों कुरान गुमराह करता वगरना अल्ला तला ने तो हदायतली नाजल किया और उन्होंने रहनुमाई लिय नाजल किया जोड़े भी मनण वाले ने उन्हें रहनुमाई का जरिया का है कौमल खासिरून तो जेड़े फासिक ने जेड़े अल्लाह के हक भी अदा नहीं करते अपने वालदेन और रिश्तेदार के हक अदा नहीं करते जमीन च फसाद करते हैं ये हैं जे घाटे रहने वाले ने और यही हैं जे सारे दे दो चार वाले ने इस तो बाद आखिर दे बारे तीसरा ईमान जो जिक्र आ गया फरमाया कैफत अकबरून अबिल्लाकुन तो मबातन किस तरह अल्लाह तला इनकार कर दी ਉਨਤ ਮਮਵਤਨ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦਾ ਸੋ ਫਾਹੀਆਕੁਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੁਮਾਇਯੁਮਿਤਕਮ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੌਤ ਤਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਸੁਮਾਇਯੁਹਿਕੁਮ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਸੁਮਾਇ ਲਾਹਿ ਤੁਰਜਾਉਲ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੌਤ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਠਾਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ اختصار ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ معاملہ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਾ مومن ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਹਨਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਦਫਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੋ ਦਫਾ ਮੌਤ ਕੀਤੀ ਦਿੱਤੀਏ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਚਾਂਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹਲਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦਿਹਲਸ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਔਰ ਬਦਨ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੂਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਦਨ ਔਰ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੋ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਜਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਵੀ ਤਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵਲ ਲਜੀ ਖਲਕ ਲਕੁਮ ਮਾ ਫਿਲ ਲਰਜ ਜਮੀਆ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ जो कुछ भी जमीन मौजूद है तो जो कुछ भी जमीन के उत्ते है ये सारे का सारा अल्लाह तारा ने इंसाना वास्ते पैदा किया जायज़ा लिया जाए तो फिर साफ नज़र आता कि वाकई जो कुछ भी इस जमीन दे या जमीन के उत्ते है या इस फजात इंसाना वास्ते ही है वह जमादात है तो वह भी इंसाना हैवानात है तो वह भी इंसाना नबातात है तो वह भी इंसाना तो इस जमीन का विच जो कुछ भी है इंसान वास्ते अल्लाह ने पैदा किया अच्छ सूँ पता लगता है कि ये पहाड़ भी अल्लाह ताल ने किस तरह बखेरे हुए हैं मुख्तलिफ जगह पर और ये किन्ने काम आ रहे हैं कि इन्ह तो रोड़ी ल्या के इन तो बजरी लिया के तो असं सड़क भी बनाते हाँ तो अपने घर भी इस्तेमाल करते हाँ तो ये सारिया चीज़ा अल्लाह ने साडे लिए पैदा कि फिर नबातात है कि जिस तरह अल्लाह तला ने उगाई है वो उत्ते फल लगते हैं तो वह भी असं खाँदे हाँ और नबातात है जे हैवाना जी खुराक का जरिया बनाता और वो हैवान ने जेड़े अल्लाह तला ने चौपाए साढ़े पैदा किए कि उन्होंने भी गोश्त खाते हैं और उन्होंने जरिए सारे काम लेंदे हाँ तो यह है इंसान सोचना चाहिए वो अल्लाह है जिसने सारिया चीज़ा इंसान वास्ते ही पैदा कितिया ने तो ते कुछ सोचना चाहिए कि मैनू का पैदा किया कि मैं भी उस मालिक का हक अदा करा जिन्हें इन्ना कुछ मेरे लिए पैदा किया तो असल हक तो यही है कि सारा कुछ अल्लाह ने इंसाना पैदा किया तो हर इंसान ये तो अपना हिस्सा उस्सा लादा वो बनता है क्योंकि अल्लाह ताल ने सारे इंसान वास्ते चीज़ा पैदा कितिया किसी खास ग्रोह लिए नहीं हो वल्ला जी खाला कुम वो अल्लाह जिन्हें तैडे पैदा किया ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਹੱਕ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤਮੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ मैं किसी का खा रहा या अपना खा रहा मैं किसी का हक लै रहा या अपने हक के उ ही मैं रह के जिंदगी गुजार रहा यह भी उन्होंने अच्छी तरह पता है कि ये मैं लैं है या नहीं यो चीज़ ने जी अल्लाह ताली ने इंसान के अंदर तमीज़ रखी है फ अल हम हा फजूर आ हा, वर्तकवा अल्लाह ताल ने हर शख्स में दस दिता है कि वो दी नेकी की है तो दी सरकशी की है वो दी बुराई की है ये अच्छी तरह हर इंसान जोड़ा है वह पहचान है इस करके अल्लाह ताल फरमा मैं सार्या पैदा किया जोड़ा हक बनता है और ये अच्छी तरह जानते हो कि मेरा की बनता है तो मैं कि लैना चाहिए इस बारे नबी अकम सल वसलम ने ए दस्या ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਆਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਤਵਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਮੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੱਸ ਰੱਖੀ ਹੈ यह तमीज रखिए उन्होंने अच्छी तरह दस दें कि तेरा की है तो की नहीं तो इस करके फरमाया वो अल्लाजी खलाफिल लफ जमी आला जी ने ध्याे लिये पैदा किया जो कुछ ही जमीन ते नजर आंदा है। समा। फिर अल्लाह ताला जेडा है किया आसमाना का फसब वाह हून् न सब आसमा फिर उन्हें बना दिते सत आसमान वाह वाह बेकुल्ले शायन अलीम और बना के वखरा नहीं हो गया ਉਹ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇਲਮ ਚ ਇਸ ਹਾਇਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਲਾਲ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ इस करके कुराने मजीद मजीदी हलाल तशरी नहीं आई हराम की तशरी आई है जिन्हों चीज़ों तो अल्लाह ताल ने इंसान रोकया उन्होंने बयान किया चीज़ों ने वाजे कर देता है कि इन्हों चीज़ों के करीब न जाओ ये अल्लाह ने ताल नेम किए हैं है। उन्होंने तो अलावा जो कुछ भी है वह जरा अल्लाह ने मुबाक करता है अल्लाह तला ने इंसानों वास्ते ही पैदा किया है इस करके वास्ते वर्तना वो जरा उन्होंने जायज़ है सवाए उन्होंने चीज़ों के कि जिन्हों तू तो अला ने रोक दिता है और जिन्हें तशरीकुरान मजीद ने पूरी कर दी है कि किज़ा ने जेड़िया अल्ह ने हराम रखिया ने जीडिया वास्ते मना कर दीतिया ने तो इंसान चाहिए ਲੱਖਾਂ ਹਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ شمار ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੂੰ तो आप फायदा उठा के फिर वह शुकर अदा करना चाहिए यह है जनू सामने रखना चाहिए कि अल्लाह ताल सामने पेशी है वो सामने जाना है और अल्लाह ताल एक एक हरकत में जानता है वो एक एक अमल तो वाकिफ है क्योंकि वाह वाह बेकुल शायन आलीम वो हर चीज़ का इलम रखता है हर चीज़ जोड़ा है वो इलम्च इस कायनात के अंदर कोई वाकया नहीं हूँ कोई चीज़ नहीं हूँ मगर अल्लाह जानता ए अल्लाह ताला फरमाते हैं कोई दरख्त का पत्ता भी नहीं टुटता मगर अल्लाह के ताला ताज से हर शख्स की जिंदगी देख रहा है क्यों ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨ ਬਿਲ ਆਖਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦੁਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ گویا ਪੂਰੇ ਰਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾ ਹੀ ਇਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਇਮਾਨ ਬਿੱਲਾ ਵੀ ਇਮਾਨ ਬਿਰਸਾਲਤ ਵੀ ਔਰ ਇਮਾਨ ਬਿਲ ਆਖਰਤ ਵੀ ਤਾਂ گویا ਪੂਰੇ ਰਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਚੋੜ ਹੈ उस तालीम का जरा मक्की कुरानी जिद्दे अक्सर बेषतर दावत है अल्लाह नसूला और आखरत न और अल्लाह के सामने पेशी दी अल्लाह ताल इन्ह चीज़ों का सानू यकीन दे और जिस तरह कुरान मजिद का मुतालबा है उस तरह मनण की तोफ़ीक दे और ओद्दे मुताबिक अमल करके अपनी जिंदगी गुजारण की तोफ़ीक दे बारक अल्लाह हली वाला कुमफिल कुरान लजीम वन फ़ानी वाह बिलात विका